थाना प्रभारी द्वारा जो गश्ती दल था सहनी सहारनपुर को सूचना दी गई। जब इन लोगों का सत्यापन किया गया और पूछताछ के क्रम में ही दो लड़के भागने में सफल हो गए, जिसमें एक सोनू कुमार सिंह और एक जो दीपक कुमार पंडा जो था, उनसे जब पूछताछ करने के क्रम में जब उनका जब तलाशी ले गई तो सोनू कुमार सिंह के जो कमर से एक जो कंटीमेंट जो कट्टा है प्लस उसमें कारतूस 315 का पाया गया। उसके बाद उस दोनों लड़के को पूछताछ करने के बाद उनको थाना लाया गया और गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में ही पता चला कि जो भागने वाले लड़के थे उसमें एक जो लड़का था आशुतोष यादव था, वो भी बाग का कहीं रहने वाला था और उसके साथ एक अन्य साथी थे, जो कि उनके आशुतोष कुमार यादव के पकड़े जाने पर उसका सत्यापन किया जा सकेगा। इनके साथ एक जो इन लोगों ने ढाका मोड़ बांका से जो आए थे, इनके साथ एक फोर व्हीलर था जिस गाड़ी का नंबर WB74L7045 नंबर से इन लोग कल ढाका WB74L7045 इस गाड़ी से इन लोग ढाका मोड़ से कल आए थे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किस तरह का क्राइम करने के लिए आए थे, इसमें इन लोगों को जो असेंबल करने वाला व्यक्ति था वो आशुतोष कुमार यादव ही था। अब उसके पकड़े जाने के बाद तो हम लोग ज्ञात कर पाएंगे कि किस तरह की क्राइम करने के लिए दुमका आए थे। कॉलेज में कैसे तुम्हें उठाकर मैंने प्रपोज किया था? जब खुशियों की कम होने लगे स्पीड तो काम आए एजी स्पीड। जिंदगी की कभी कम ना हो स्पीड, हमेशा साथ रखिए एजी स्पीड। दर्द भगाए फुल स्पीड।